किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ पाया। ये बहुत बहुत स्वादिष्ट होता है। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये हड्डी को भी तेज कर सकता है। और चलिए किस तरह बनाते हैं। मैंने चार पाया लिया था, इनको गर्म पानी में नमक डाल के 10 मिनट रखा था। ये देखिए, ये बाजू सब मैंने इस तरह निकाल लिया है, अच्छे से धो लिया है। और इनको भी इस तरह करके पूरा काला काला जो निकाला है, और जो भी बाल बिल है मैंने गैस के ऊपर रख के जलाया है। देखिए, साफ किया है मैंने। ये बाजू वाला भी पूरा किया था, इस तरह धो के रखा है। चार पाया है, और उनको डालने के लिए चार छोटा प्याज है, कोथमीर, दो मिर्ची हरी मिर्ची, डेढ़ स्पून अदरक लहसुन पेस्ट, दो बड़े टमाटर, और सूखे मसाले में ये चिल्ली पाउडर, ये धनिया पाउडर, ये जीरा पाउडर एक स्पून, चिल्ली पाउडर एक टेबलस्पून, धनिया पाउडर एक टेबलस्पून, जीरा पाउडर एक चम्मच, और गरम मसाला आधा चम्मच, और सूखे मसाले में ये बे लीव्स, चार लौंग, और काली मिरी, और दो इलायची, एक काली इलायची, सूखा मसाला में एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक टेबलस्पून मिर्ची पाउडर, एक टेबलस्पून धनिया पाउडर, एक चम्मच जीरा पाउडर, और आधी चम्मच गरम मसाला पाउडर, और सूखे में एक बे लीव्स, चार पांच लौंग, सात आठ काली मिरी, दो इलायची, एक काली इलायची, दो तेज सिनेमन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ये दो स्टिक। गैस ऑन किया है कुकर पे, ये कुकर पे बनाते हैं। अभी इसमें तीन टेबल बड़ा स्पून से तेल डालेंगे। और अभी ये सूखे मसाले, ये दालचीनी, काला इलायची सब इसमें डालते हैं, और थोड़ा फ्राई करते हैं। अभी इसमें चार प्याज डालते हैं, फ्रेंड्स ये सुनहरा कलर आ गया है प्याज का। अभी इसमें ये मसाले डालते हैं, सूखे मसाले, और इन्हें बराबर फ्राई करते हैं एक मिनट के लिए। और थोड़ा सा पानी डालते हैं ताकि मसाला जले नहीं। डेढ़ चम्मच अदरक लहसुन डालते हैं, और दो हरा मिर्ची, थोड़ा अब ये दो टमाटर डालते हैं बराबर, एक मिनट इसमें फ्राई करते हैं। फ्राई हो चुका है, तेल भी छुटा है इसका। अब इसमें ये पाया डालते हैं और भूनते हैं बराबर। अभी एक मिनट बराबर ये फ्राई चुका है पाया। अभी इस बार नमक डालते हैं, और ये जो कोथमीर वो डालती हूँ। सब भुना हुआ है इस मसाले में। अभी इस स्टेज में हम अढ़ाई ग्लास गरम पानी डालते हैं ताकि ये जल्दी पकेगा। इनको सब मिला के बंद करते हैं ये कुकर से,
और ये लगाते हैं। दो सीटी फुल गैस में, फिर दो सीटी के बाद मीडियम गैस में 7-8 सीटी रखेंगे तब ये पकेगा, उसके बाद मिलते। अब ये हो चुका है, दो सीटी बड़ा गैस पे रख के 7-8 सीटी मैंने मीडियम में निकाला है। हवा हजाने देते हैं। गल चुका है, अब ये हो चुका है। अभी इस स्टेज में थोड़ा कोथमीर से गार्निशिंग करेंगे। देखिए कैसा बढ़िया बन गया, टमाटर डालने से ग्रेवी भी ज्यादा हो गया और जो एक खटास का है ना वो भी कढ़ी में आ गया है। हम लोग टमाटर नहीं डालेंगे तो पानी पानी सर का होता है। फ्रेंड्स मैंने डिश आउट कर दिया है, अभी एकदम ये बन के तैयार है। देखिए इसका टेस्चर देखिए कितना बढ़िया लगा है। और मैं इसका नान का रेसिपी भी डालने वाली हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में डालती हूँ। देखिए किस तरह बनाए, इस आप ही घर में बनाइए। ये दमा के लिए, खांसी के लिए बहुत अच्छा है और कमजोरी के लिए ये ठंडी में खाया जा सकता है फ्रेंड्स। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छा लगेगा तो फ्रेंड्स मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज हमारे लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये बिल्कुल फ्री है फ्रेंड्स। देखिए किस तरह बनाया है, किस मस्त है फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।